आई होप आई माइट स्टार्टेड द क्लास एंड इट्स ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इजेंट माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. एंड यस एम आई. सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइज? अगेन केम अप विद दिस सेशन. हाय संदीप, हाउ आर यू? कैसे हो? आई गेस मेरी आवाज भी तुम तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी एंड इट्स बीन ऑडिबल. हाय वैभवा लक्ष्मी, हाउ आर यू? टेलीग्राम पे थोड़ा डाल देता हूं मैं, बिकॉज वहां भी बच्चों को पता चल जाएगा. हाय ईशा, हेलो. यस सर, ऑडिबल? यस सर, इट्स क्लियर. ओके सो गाइस, अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं, इफ यू वॉचिंग मी लाइक फर्स्ट टाइम, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवरीवन, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट पीडीएफ एंड एवरीथिंग. जो भी आपको जरूरत पड़ता है आप देखेंगे, ठीक है? दैट यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हेयर. हेलो, हाय वर्तिका, हाय संदीप, हाय गॉन फ्रांसिस, जो भी आपका नाम है. जितना मैं सही पढ़ पा रहा हूँ उतना मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? नाउ गाइज, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज को पहले एक बार चेक कर लेते हैं. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, गुड इवनिंग समीक्षा. कल हमने क्या डिस्कस किया था आप सभी को पता था? कल हमने डिस्कस किया था दिसंबर का करंट अफेयर्स, और जो मैंने वाईटी पे डिस्कस किया था उसका बचा खुचा मैंने स्पेशल क्लास में आज 12 बजे डिस्कस कर दिया है. ये दोनों ही कॉन्टेंट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, करेक्ट? हेलो उमेश, ये दोनों ही कंटेंट क्या था? फ्री था. तो जो बच्चे दिसंबर का सीए हो चुका है, कल वाईटी वाले, मतलब ये एपिसोड नंबर 2 है, कोई बच्चा एपिसोड नंबर 1 देखेगा, हाय महक, तो वो पता चल जाएगा. और बचा खुचा मैंने आज के क्लास में 12 बजे ये कहाँ हुआ था, अनअकैडमी ऐप पे हुआ था, वो मैंने डिस्कस करा दिया. हाय संगम, करेक्ट है ना? आई थिंक आप सभी को ये क्लियर है. अब आज मैं क्या क्या करने वाला हूं ये मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा समय दीजिएगा और बड़ा ध्यान से. पहली बात तो आज मैं करने वाला हूं नवंबर का करंट अफेयर्स, जो आपको सभी को विजिबल होगा. ये मेरा एपिसोड नंबर 2 है, करेक्ट? ये क्या है बच्चों? ये एपिसोड नंबर 2 है. एपिसोड नंबर 1 हो चुका है. हेलो हेलो, हाय रेनू, हाय दानिश, ठीक है? इनफैक्ट मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था इस एपिसोड नंबर 1 का. इसके अलावा भी और क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, तो लेट्स हैव एन मैं वो भी आपको बता देता हूं कि इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे. इसके अलावा आज मैं सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स, ये आपको दिख रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिया में उसका क्या, मतलब इंडिया का क्या रैंकिंग है वो डिस्कस करने वाला हूं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोला है 5th स्टेट फूड इंडेक्स है ये, लेकिन एक एक्स्ट्रा होगा जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं, ठीक है? सेकेंडली, आज का जो करंट अफेयर्स होगा वो मैंने पहले कहा कि दिसंबर का होगा. ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है. ये सूचना बेसिकली ये है कि कल से, कल जो है रात में 10 बजे आप लोगों के लिए मैं सीमैट के लिए स्पेशली फोकस करूंगा. सीमैट जहां पे मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का एपिसोड नंबर 1 कराऊंगा. क्या कराने वाला हूं? लॉजिकल रीजनिंग का एपिसोड नंबर 1 कराने वाला हूं सीमैट के लिए. जैसे हमने जनरल अवेयरनेस किया वैसे हमने हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे. अब पूछोगे सर ये कराने का रीजन क्या है? इसीलिए रीजन है कि अगर मैं एक एक दिन लगा के हर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा तो सिर्फ आपके पास मटेरियल आता जाएगा और आप करते जाएंगे. समझ में आ रहा है? सिर्फ आपके पास मटेरियल आते जाएगा और करते जाएंगे. अगर मैं पूछूं कि क्या नॉलेज गेन हुआ तो आप बोलेंगे जीरो. इसीलिए दो दो तीन तीन दिन का, मतलब 3 दिन करंट अफेयर्स कराएंगे, 1 दिन का गैप देंगे ताकि पुराना रिविजन कर पाए आप. इज इट क्लियर? इसीलिए बोल रहा हूं कि 3 दिन करंट अफेयर्स कराऊंगा, 1 दिन का गैप दूंगा, जिसमें उस गैप में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट कराऊंगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और वो जैसे मैंने कहा ग्रुप में आपको मिल जाएगा. अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा. हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी है कि पढ़ते जाना है. ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है. ये ध्यान रखिएगा, ये नवंबर का करंट अफेयर्स है,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नवंबर का करंट अफेयर्स है। दूसरी बात, पॉसिबल होगा कि आज के सेशन में 50 क्वेश्चन कराऊंगा और कल 12 बजे या 3 बजे मैं आपको इसी का पार्ट टू करवा दूंगा अनअकैडमी ऐप पे। समझ आ रहा है? चलिए, इज इट क्लियर ना? स्टार्ट करें फिर। तो चलिए फटाफट बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिए। आपने कल वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया, दैट वॉज आई एम वेरी मच लकी कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया। तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करें। हाँ, ये नवंबर का होगा। यू कैन मेक नोट्स और यू कैन कनेक्ट विद महक, बिकॉज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। और जितना पॉसिबल हो सकता है, देखो सेशन स्टार्ट करूंगा तो रुकूंगा नहीं, इसलिए जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो, सुनो। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा, जितना पॉसिबल हो सकता है, विथ फिगर्स, ताकि आपको याद रहे। विच फुटबॉलर क्लेम्ड इट्स एट 8th बैलन डियोर, किस फुटबॉलर ने क्लेम किया है उसका 8th बैलन डियोर। ये न्यूज मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पॉपुलर है, तो आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से, अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं। इट्स लियोन मेसी, एर्लिंग हालांड, कैलान बापे या रोबर्ट जो भी इनका नाम है। तो मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। तो पहला आंसर है लियोन मेसी। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया, इसके साथ मैंने फिगर इंट्रोड्यूस किया, ताकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको फिगर दे दिया जाए तो याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा फिगर दिया है आप लोगों को, ताकि लेट्स से कि तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये चीजें बनी रहें कि ओके सर फाइन, ये हमारे दिमाग में है। ठीक है, सेशन अच्छा लगता है बच्चों तो जैसे आपने कल लाइक किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि यार मेरी मेहनत काम में आ जाए, है ना, थोड़ा मेरा मेहनत आप लोग को दिख जाए। इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट मेसी। नो प्लेयर हैज वॉन बैलेंडी और मोर देन मेसी, किसी भी प्लेयर को मेसी से ज्यादा बैलेंडी और नहीं मिला है। मेसी को 2009 में मिला, 10 में मिला, 11 में मिला, 12 में मिला, 15 में मिला, 19 में मिला और 21 में मिला। इतना जानकारी आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। When is National Unity Day celebrated in India? तो ये बताइए, National Unity Day भारत में कब मनाते हैं? 28 अक्टूबर को मनाते हैं, 29 अक्टूबर को मनाते हैं, 30 अक्टूबर को मनाते हैं या 31 अक्टूबर को मनाते हैं? हेलो आकांक्षा, कैसी हैं आप? सो गाइस फटाफट प्लीज कमेंट करिए, फटाफट कम ऑन फास्ट एवरीवन। आई थिंक हमारे क्लास में ये भी कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करिए। डी आ रहा है, रिया भारद्वाज का आंसर डी आ रहा है, महक का आंसर डी आ रहा है, दानिश का आंसर डी आ रहा है। वेट नहीं करेंगे, फटाफट आंसर आप लोग करते जाओ। देखो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझाया जाए। अक्टूबर 31 को यूनिटी डे मनाया जाता है। और ये बताओ, ये जो फोटो है ये बेसिकली कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है बताइए आप, कमेंट सेक्शन में बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ है। आगे चलते हैं। नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन अक्टूबर 31st, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 एंड दे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा मैंने आपसे कहा, गुजरात में है, वेरी गुड। सरदार वल्लभ भाई पटेल हु हैड अ मेजर रोल इन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यूनिटी मैन भी कहा जाता है इनको। अक्टूबर 31st इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट राष्ट्रीय संकल्प दिवस, तो ये भी ध्यान में रखें। यार मैं वो हाईलाइटर लगा लेता हूं, है ना, तो इसको हम लोग राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं या नेशनल प्लेज डे के रूप में भी मनाते हैं। एवरी ईयर ऑन 27th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे भी मनाते हैं। मे बी दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। इन जम्मू एंड कश्मीर इंडियन आर्मी ऑन अक्टूबर 27 सेलिब्रेट शौर्य दिवस। देखो अगेन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो मैं पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं वहां से सवाल आ सकता है बच्चों, फिर मत बोलना कि सर आपने सिर्फ इतना ही बोला था। इसीलिए मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं और इसका रिवीजन भी करना है, ये बेवकूफी नहीं करनी है आप लोगों को कि सर दो वीडियो करा दी अब हमने उसको पढ़ लिया। नहीं, मैं आपको रिवीजन का भी टाइम दे रहा हूं, वो भी करिएगा प्रॉपरली। आगे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन इन साउथ एशिया रीजन एट न्यू दिल्ली, किसने ये किया था? हेलो ग्रीमा, हु इनॉग्रेटेड
इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन इन साउथ एशियन रीजन एट न्यू दिल्ली, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक, अजय कुमार मिश्रा या शोभा, एनी वन? हेलो श्रेयस, कैसे हो? कमान गाइज, एनी बडी कैन आंसर दिस? फटाफट आंसर करिए. एनी बडी इन द क्लास कैन आंसर मे दिस? फटाफट एनी आइडिया, या लगे तुम्हें कि सर इनमें से ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, एनीथिंग दैट यू वांट टू से. हेलो राधिका, हाउ आर यू? कैसे हैं आप बताइए. कमान गाइज, एनी बडी? सी, भूवी दत्ता का आंसर आ रहा है सी. ओके, दैट्स ग्रेट. भूवी का आंसर आ रहा है सी. सो दैट वी नीड टू सी दैट सी. दशराज दर्शन सी, विवेक का भी सी. ओके, तो एक बार देख लिया जाए. सो शोभा, तो बेसिकली आंसर शोभा है एंड शोभा वॉज ऑप्शन नंबर डी. एवरीबडी वॉज रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज शोभा. सी तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शोभा इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन इन साउथ एशियन रीजन एट न्यू दिल्ली. इन्होंने ये काम किया था, ठीक है. द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन इन साउथ एशिया रीजन वो ऑर्गेनाइज बाई द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. अगेन इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है. द यूनियन मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया एड्रेस्ड 76 सेशन ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमा के सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे एंड यू कैनॉट आंसर दैट. कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 76 सेशन कहां, कौन सा अटेंड किया गया था, किस मिनिस्ट्री के लोगों ने अटेंड किया था, तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है. आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCCEM. क्या है शॉर्ट फॉर्म? GCCEM. विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर? विच कंट्री होस्टेड? इंडिया, ब्राजील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? कम ऑन फास्ट. इंडिया, ब्राजील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया. आज बच्चों में वो नहीं लग रहा है मेरे को, जील. इंडिया गो. ओके, सौरभ कुमार का आंसर आ रहा है इंडिया. एनीबडी एल्स? आज वो बच्चों में ना वो नहीं आ रहा मेरे को देख के, लग इंडिया इंडिया. ईशा सागर का आंसर भी इंडिया आ रहा है, इंडिया ए. ओके, यूनियन मिनिस्टर इन फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये देखो मिनिस्ट्री के नाम भी हैं, इनको नोट डाउन करिएगा. वो है निर्मला सीतारमन, प्रिसाइडेड ओवर एज चीफ गेस्ट एज द फर्स्ट एवर. तो ये चीफ गेस्ट बनी थी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स. And the Director of Revenue Intelligence under Central Board of Indirect Taxes and Custom in consulted with World Custom Organization, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है. अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको आपसे कि बताओ कि WCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है. और यहाँ पे the Union Minister also launched Phase 4 of Operation Shisha by Indian Custom in collaboration with RILO Asia Pacific and RILO Middle East to curb the illegal trade of timber. देखो अगेन सवाल पूछ लेंगे कि बताइए सर जी illegal trade of timber के लिए कौन सा operation बनाया जा रहा है. The operation name is Operation Shisha. Note down करिएगा, उस operation का नाम है Operation Shisha. तो again important है चीजें, इसको note down करिएगा everyone. ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है. अगेन आगे, विच ईयर वॉज द यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये सवाल है आपके सामने, किस साल, विच ईयर वॉज द यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल कॉन्स्टिट्यूटेड? ये स्पेशल ऑपरेशन मेडल है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन विच ईयर? 2016, 17, 18 और 19? एनीबडी कैन आंसर दिस? 2018 बी. दर्शन का आंसर आ रहा है बी. ईशा सिंह सी. दर्शन का आंसर आ रहा है बी. ईशा सिंह सी. बी सी बी सी. ओके, आई एम गेटिंग लाइक बी सी एज एन आंसर. चलो चेक करते हैं. सो द करेक्ट आंसर वॉज 2018. और 2018 किसने दिया था? यस, दिव्यांश का आंसर बिल्कुल सही है. 2018
So, the Union Minister Special Operation Medal for the year 23 has been awarded for 4 special operations to personnel and officers of CRPF. तो ये सीआरपीएफ वालों को मिला, एनआईए वालों को मिला, एनसीबी वाले को मिला एंड वेरियस स्टेट पुलिस. यहां पे एक चीज है कि द अवार्ड शैल बी कॉन्फ्रेड फॉर स्पेशल ऑपरेशन इन द एरिया सच एज काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर एक्शन, आर्म्स कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक स्मगलिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. इट इज अनाउंस्ड ऑन 31st अक्टूबर एवरी ईयर. ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है. 31st अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट दिन है बच्चों, ये भी आप नोट डाउन करेंगे. कम ऑन, यू कैन नोट इट डाउन. इतने से ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए. एक सवाल से 4 सवाल बन रहा है, इससे ज्यादा जानकारी आई गेस आपको नहीं चाहिए. आगे चलते हैं. हु आर द ऑथर्स ऑफ बुक टाइटल द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स. कम ऑन, दिस कुड बी आंसर बाय ऑल ऑफ यू. ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं इसका. हु आर द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स. कम ऑन एवरीवन, कमेंट सेक्शन में आंसर भरो फटाफट फटाफट. कम ऑन फास्ट फास्ट. आयुष बी. अच्छा, मतलब इतना डिफरेंस, कोई बी कोई डी ऐसा करोगे? कोई बी कोई डी ऐसा करोगे? सावन नामदेव बी डी बी डी बी बी बी. अच्छा, बी थोड़ा ज्यादा आ रहा है अभी, अभी बी थोड़ा ज्यादा आ रहा है. ओके, नाउ बी इज कमिंग लाइक मोर. बी थोड़ा ज्यादा आ रहा है. ओके, बी मतलब आप लोग कह रहे हो आर कौशिक एंड वी डब्ल्यू वी रमन. एक बार चेक करते हैं. द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स एक्सप्लोर द एवेल्यूएशन ऑफ इंडियन क्रिकेट इन 28 ईयर्स. ओके, एंड द बुक इज ऑथर्ड बाय. वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने लगभग लोगों ने सही कहा. कुछ बुक और भी हैं जिनके बारे में जो नवंबर में न्यूज बना है. कुछ बुक और भी हैं जो नवंबर में न्यूज बना है, जो नवंबर में एक न्यूज बना है. फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन हैज टीम्ड अप विद इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा टू राइट अ बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. तो ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है. ये सिर्फ नवंबर की किताब है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ नवंबर की किताब है. पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड तुलसी पीठ एंड रिलीज 3 बुक. तो ये भी ध्यान में रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 3 बुक रिलीज किया. अष्टधाई पहला किताब था, रंभाचार्य चरितम एंड भगवान श्री कृष्णा की लीला. तुलसी पीठ इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन इन चित्रकूट एमपी एस्टैब्लिश्ड बाय जगत गुरु. जो जगत गुरु है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है. और पीएम के द्वारा जो 3 किताब लिखी गई है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो बेसिकली ये एक किताब नहीं है, ये अपने आप में 4 क्वेश्चन बन जाता है. कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, क्योंकि आप 3 बुक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया, 1 बुक आरबीआई ने किया और 1 जो द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े है. तो यहां से 4 क्वेश्चन बनता है. प्लीज इनको अगर आपको रिकॉलिंग सही करना है तो नोट डाउन जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Which satellite was used to capture images and data about the expansion of ozone hole recently? ये अभी आपको तुरंत देखने को मिला था. I think मैंने ये न्यूज पढ़ा है, I'm not literally known की exact क्या है, but which satellite was used to capture images and data about the expansion of the ozone hole recently? Now anybody can answer. Ayush B कर रहा है, somebody is answering like A. थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए guys और लाइक भी कर दीजिए. देखो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है, लाइक यू कैन गिव मी गुरु दक्षिणा बाय ओनली लाइकिंग इट, है ना, लाइक कर दीजिएगा, दैट वुड बी वेरी फाइन. एलॉन मस्क ए बी, दैट्स थैंक यू. ए बी, ओके फाइन. सो लेट मी जस्ट चेक. द होल इन द ओजोन लेयर अबव एंटार्क्टिका हैज ग्रोन अप टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एवर सीन. तो पहली बात तो ये सवाल बिल्कुल ही पूछा जाएगा. क्यों पूछा जाएगा? 2 कारण. एक तो ये बिगेस्ट शब्द का मतलब आ गया यहां पे, तो भैया ये सवाल पूछेंगे, है ना, पक्का पक्का पूछेंगे. ठीक है, रीचिंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द साइज ऑफ ब्राजील साइंट. अच्छा, ये एक और अच्छा बात है. रीचिंग ऑलमोस्ट द 3 टाइम्स द साइज ऑफ ब्राजील साइंटिस्ट बिलीव दिस ईयर बिग ओजोन होल कुड बी ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट हुंगा टुंगा ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी. तो काफी पुरानी बात है. ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वेशन वेर मेड आफ्टर इमेजेस टेकन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी.
तो इट वॉज टेकन बाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी. आई होप सभी ने सही आंसर दिया होगा. एंड दैट वॉज ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन. सबने गलत दिया है ना. नाउ द साइज ऑफ द ओजोन लेयर, ये साइज आपको जानना नहीं है. और ये ओजोन होल का जो स्पैन होता है 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है. इत ये बकवास, ये आप ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा है, बट एटलीस्ट आप इतना जान लो. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं ना. नाउ वेयर वॉज द फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक एंड अलाइड साइंस हेल्ड. अगेन बहुत अच्छा सवाल, कहां हुआ था फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर इकोनॉमिक एंड अलाइड साइंस. कहां हुआ था, पुणे में, जयपुर में, श्रीनगर में या अहमदाबाद में? आंसर करो यार, इतना कर लोगे कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. कहां हुआ था बताइए. इट वॉज हेल्ड एट पुणे, जयपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद. कहां हुआ था? सावन कह रहा है जयपुर में. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यू आर सेइंग सावन, राइट? श्रवण यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी. प्रणव बी बी. दानिश का आंसर सी आया है. सोनू मंडल इज सेइंग लाइक जयपुर. कृष्णा इज सेइंग डी, कश्मीर आ रहा है. ओके, सो द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, दानिश वॉज राइट. दानिश का बिल्कुल सही था, इट वॉज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड द फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एंड अलाइड साइंसेज एसोसिएशन एट यूनिवर्सिटीज ऑफ कश्मीर इन श्रीनगर. इंडिया इकोनॉमिक एंड अलाइड साइंस एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EIEASA, प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुधाकर पांडा, और ये पार्टिसिपेट किए थे. बेसिकली जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. सो द करेक्ट आंसर वॉज जम्मू एंड कश्मीर. और उनके साथ ये गवर्नर हैं जो वहां के, मनोज सिन्हा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है. तो ये थोड़ा आप अगर दिमाग में रखेंगे दैट वुड बी वेरी वेरी फाइन. आगे चलते हैं. विच टू सिटीज फ्रॉम इंडिया आर अमंग द 55 न्यू सिटीज विच हैव ज्वाइंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. ये कुछ भारत के सिटीज हैं, तो ये पक्का पक्का सवाल आएगा. इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. क्या ज्वाइन किया है? इसका देखो आपसे ना फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. क्या पूछ लेंगे पता है? वो पूछ सकते हैं UCCN का फुल फॉर्म बताओ, तो आप बताइएगा. यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसका आंसर सी दिख रहा है मेरे को. सी, महक सी. ओके, अगेन आई एम वॉचिंग एज एन आंसर लाइक सी, तो मेरे को इसका आंसर सी ही दिख रहा है लगातार. एक बार चेक करते हैं. द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर एंड कोझिकोड. और बिल्कुल सही जवाब है ग्वालियर. और ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको अपने स्पेशल क्लास में भी कराया था. हाँ, ये मैंने आंसर शायद आपको स्पेशल क्लास में भी कराया था. अगर कोई बच्चा स्पेशल क्लास देखता है मेरा तो उसको समझ में आया होगा. वाइल ग्वालियर इन मध्य प्रदेश हैज मेड इट टू द कवर्ड लिस्ट इन म्यूजिक कैटेगरी. कोझिकोड इन केरला हैज अर्न द प्लेस इन द लिटरेचर कैटेगरी. ये मैंने आपको कराया था. बस इतना से ज्यादा इस वाले पोर्शन को नहीं करना है. इट्स ओके, फाइन. ठीक है, आगे चलते हैं. हु फ्लैग्ड ऑफ, हाँ लिटरेचर वाले में, हु फ्लैग्ड ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन. ऑफकोर्स सी बात है, गुजरात का पहला हेरिटेज, फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन किसने फ्लैग ऑफ किया है? इट इज बीन डन बाय अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव. फटाफट बताइए. सी 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 सी. बच्चों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, बिकॉज दैट वुड बी फाइन. और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, दैट वुड बी लाइक काइंड ऑफ ए, आपको मैं हेल्प हो जाएगा पीडीएफ का. करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन दैट विल रन फ्रॉम एकता नगर टू अहमदाबाद. तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं. हाँ, गुजरात का सभी काम मोदी जी करेंगे ऐसा कहना है बच्चों का. ऑल कोचेज हैव टिक वुड इंटीरियर. अच्छा, ये काफी डिटेल हो गया, हालांकि पूछा नहीं जाएगा. एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट पेरम्बूर चेन्नई. चलो ये भी ठीक है, दिस कुड बी आंसर्ड. तो नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे सीमैट में. हाँ हाँ, वो स्टैटिक जीके भी चलेगा. लेकिन सावन, दो चीजें क्लियर कर देता हूं. जैसे मैंने ना अभी आपको दो चीजें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है. पहला मैं आपको दिसंबर का करवा चुका हूं, अब मैं नवंबर का करवा दूंगा. फिर मैं एक दिन का गैप दे रहा हूं आपको, ठीक है. एक दिन का गैप मिलेगा आपको, ताकि आप रिवाइज भी करें ना, पढ़ते जाओगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होगा नहीं, तो ऐसे करके फायदा तो है नहीं.
तो जो गैप मिलेगा उसमें हम लोग लॉजिकल करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास करेंगे, फिर उसके बाद अगेन स्टार्ट करूंगा एपिसोड नंबर 3। इसी तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि लाइक देखो क्लेवर स्टडी करना चाहिए ना, कराते जा रहा हूं कराते जा रहा हूं, रखा पड़ा है क्या फायदा। वैसे भी बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ तरीका होगा तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से करिएगा। विच स्टेट सेलिब्रेट्स मीरा होंगचोंगबा फेस्टिवल, सॉरी मेरे को प्रोनाउंस नहीं हो पाया ये, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मेरे कोई प्रोनाउंस नहीं हो पाया। हाँ वो भी करवा दूंगा मैं एक एक करके। देखो मेरे सेशंस आपको ना टाइमली वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ विच स्टेट सेलिब्रेट्स मेरा होंगोन पता नहीं क्या है होंगबा फेस्टिवल, जो भी है बी ए ए बी ए बी आंसर ऐसे करके आ रहा है, करेक्ट है, ए बी आंसर ऐसे करके आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। मेरा होंग चोंगबा और मेरा बायुनगा बा और मेरा थोमी थानबा इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ सॉलिडिटी ऑफ मणिपुर। तो भैया इस पहली बात तो ये मणिपुर का है, सेलिब्रेटेड बाय एवरी इंडिजीनियस एथिक ग्रुप इंक्लूडिंग द माइती पीपल एंड नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर। द फेस्टिवल इज हेल्ड टू फोस्टर एंड कॉन्सोलिडेट रिलेशन अमंग हिल ट्राइब्स। अच्छा ये रिलेशन के लिए बेसिकली मनाते हैं। मणिपुर के बारे में कुछ जान ले, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, स्टेट बाउंड्रीज मणिपुर का क्या है नागालैंड मिजोरम आसाम, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहां पे शंघाई कुट योसांग चेराबो एंड गांग गगई, जो भी है यहां के इंपॉर्टेंट है। इन इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल और गवर्नर तो आपको ध्यान में रहने चाहिए एंड चीफ मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। विच कंट्री विल हेल्प फंड इंडिया हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। मतलब यार अब नाम नहीं ले पा रहा हूं तो नहीं ले पा रहा हूं, अब इसमें क्या ही कर सकता हूं। विच कंट्री विल हेल्प फंड इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। तो ये कौन करेगा, क्या ये नॉर्वे कर सकता है, जर्मनी कर सकता है, डेनमार्क कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है? ए नॉर्वे। अच्छा सम ऑफ यू आर आंसरिंग मी नॉर्वे होना चाहिए, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लेट अस लुक ओवर द आंसर्स। नॉर्वे 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 आ रहा है, यस करेक्ट, मतलब बहुत बच्चों का सही है। द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे विल हेल्प फंड इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन लीडर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 3 years, 3 साल का प्रोजेक्ट होगा, बस इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं करना है। कंट्री एंड नॉर्वे का कैपिटल क्या है, कंट्री एंड कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे बताइए, मतलब इतना कर लिए तो नॉर्वे का बताइए, कंट्री कैपिटल बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। किसको ले लो लाइक नॉर्वे 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 कमॉन, इट इज लाइक ओस्लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओस्लो हो सकता है ना। आगे चलते हैं, विच स्टेट ओस्लो, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव डियर डॉटर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड डियर डॉटर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो भैया ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग हमेशा कर रहे हैं, तो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो निश्चित तौर पर यह सवाल जो है पेपर में आ सकता है कि विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव कर रहा है, या तो ये मध्य प्रदेश होगा, या तो बिहार होगा, या तो गुजरात होगा, या तो महाराष्ट्र होगा। एवरीबडी शुड आंसर मी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महक सी सी सी, मेरे को अभी सीधा कमेंट में सी ही नजर आ रहा है बच्चों, ज्यादातर तो मेरे को सी नजर आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी महाराष्ट्र, जिसका फिगर बन सकता है मैंने उसका फिगर आपको बना के दिया। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स डियर डॉटर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डियर डॉटर स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये आप देख सकते हो, दैट इज वेरी वेरी फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट अप्रूव द लेक लड़की योजना, जिसका इंग्लिश वर्जन है डियर डॉटर स्कीम। इसके डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है, इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर है रमेश ब्यास। क्योंकि ये न्यूज में था तो हमने आपको ये करा रखा है, ये करा दिया है बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट,
हु लॉन्च्ड मेरा युवा भारत, माई भारत, ये हमने कराया था आपको अपने स्पेशल क्लास में। अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो मेरी, तो मैंने आपको कराया था हु लॉन्च्ड मेरा युवा भारत, माई भारत प्लेटफॉर्म ऑन द नेशनल यूनिटी डे, सारे बच्चों को कराया था। इट्स नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, द्रौपदी मुर्मू जी और जगदीप धनकर, ठीक है। और इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है ना, सब अपने आप में नोन है ये। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया था, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत विल बेनिफिट, मेरा युवा भारत बेसिकली बच्चों करेगा क्या, ये बेनिफिट करेगा यूथ को इन द एज ग्रुप और 15 से लेकर 29 साल तक। तो यहां से एक सवाल बन सकता है, ठीक है। एंड अलाइन विद द डेफिनेशन ऑफ यूथ इन द नेशनल यूथ पॉलिसी, द बेनिफिशियर विल बी एज ग्रुप ऑफ 10 साल से लेकर 19 साल तक, मिल जाएंगे आपको। मेरा युवा भारत इज ए फिजिकल, ये है फाइजिटल प्लेटफॉर्म, फिजिकल प्लस डिजिटल, नया वर्ड जान जान लीजिएगा, फाइजिटल, जिसको फिजिकल प्लस डिजिटल बोलते हैं। कंप्राइजिंग फिजिकल एक्टिविटी अलोंग द ऑपर्चुनिटीज टू कनेक्ट डिजिटली, इसका ऑब्जेक्टिव जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। हु प्रिसाइडेड ओवर द 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी मैंने आपको कराया था। मैंने जो जो क्वेश्चन आपको कराया था, देखो मुझे याद है। हु प्रिसाइडेड ओवर द 6th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या ये आर के सिंह हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं, या टेड्रोस आधानोम, ये हैं। और सब कहीं ना कहीं के अच्छे पोस्ट पे हैं, सारे लोग, सारे लोग कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। फटाफट बताइए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है बच्चों, तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, दैट यू कैन जस्ट लाइक द सेशन। सिर्फ लाइक ही तो मान रहे हैं, जिस रेट से आप लाइक कर दीजिएगा मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, बस लाइक कर दीजिए। आंसर मिल रहा है ए और सी, तो मल्टीपल आंसर, कभी ए मिल जाता है, कभी मेरे को सी मिल जाता है। अभी क्लास लंबी चलेगी, मैं फिर कह दे रहा हूं, क्लास अभी लंबी चलेगी, तो जो लोग पानी वानी पीना चाहते हैं वो पी लें, मैं भी पी लेता हूं। क्लास लंबी चलेगी एवरीवन, क्लास लंबी चलेगी, ठीक है। आर के सिंह, एक बार चेक करते हैं, द करेक्ट आंसर इज आर के सिंह, यस आर के सिंह है। अब कई बार ना इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आता है कि कुछ कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो हमें याद करने हैं। जैसे कि देखो, 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज होस्टेड एट भारत इन न्यू दिल्ली एंड वॉज प्रिसाइडेड ओवर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली भैया ये हमारे मिनिस्टर भी हैं, आर के सिंह, इन हिज कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए असेंबली, ठीक है। हाँ, नहीं हर जगह तो नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए, वायबिलिटी गैप फाइनेंस क्या होता है, मींस ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वैल्यूएबल। ये वाला जो सवाल है ना, ये आई में भी पूछ सकते हैं आपसे, ये जो सवाल है ना, ये वाला क्वेश्चन आपसे आई में भी पूछ सकते हैं, इनोवेशंस वाले पार्ट में जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको नोट डाउन करिएगा, आप लोगों के लिए ही है। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज्ड, वर्ल्ड का पहला एआई सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज्ड कहां हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है, कौन सी कंट्री में, टर्की में, स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, या यूनाइटेड किंगडम में, वेयर इट हैज बीन। टर्की में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, डी यूके। ओके, एवरी वन इज सेइंग लाइक यूके। दिव्या मिश्रा भी यूके कर रही हैं, अग्रिमा भी यूके कर रही हैं, संदीप भी यूके कर रहे हैं, अच्छा एक बच्चा यूएस भी कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज क्या होगा, आंसर भी यूके ही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर, ये सवाल बन सकता है, ये दे कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि बताइए स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर कौन है। एआई सेफ्टी समिट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई काफी चर्चा में है, एआई काफी चर्चा में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। और कहां हुआ था, ये यूके में हुआ था, थीम क्या था, एआई फॉर गुड,
इसका थीम भी पूछ लिया जाएगा। जो जो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं इनको बहुत अच्छे से करिए। इसके अलावा मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वही पढ़िए, फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरा क्लास में एक क्वेश्चन, मेरे क्लास में अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिमाग रखिए वो आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो आप कम से कम तो चार पांच क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं दे रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव WHO गोल्ड टीयर स्टेटस ऑन हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं ये सब क्वेश्चन। गोल्ड टीयर मिल गया स्टेटस ऑन हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन, इन्होंने हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट किया है तभी इनको गोल्ड टीयर स्टेटस मिला है। वो इंडिया है, इजिप्ट है, नाइजेरिया है या US है, बताइए। आज हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आज हर एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, मतलब इट्स लाइक एक एक करोड़ का सवाल है आज। सो द करेक्ट आंसर इज, विच वन इज द करेक्ट आंसर एवरीवन? सारे बच्चों का इजिप्ट आ रहा है, लेट मी चेक दैट वेदर इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री, तो इजिप्ट एक पहला कंट्री है टू अचीव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोल्ड टीयर स्टेटस ऑन द पाथ टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मैं सही बोल रहा हूं ना, आई एम सेइंग राइट ना, हेपेटाइटिस। नाउ WHO डायरेक्टर कौन है? WHO के जो डायरेक्टर है, हाँ आप, मैंने ये भी कराया था, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सब करा रहा हूं। तो WHO के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर टेड्रोस आधानोम इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑन द सेम टू इजिप्टियन प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी इज ए वायरल इन्फेक्शन, क्या है भैया? दैट इफेक्ट्स लीवर एंड कैन कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस। रिसेंटली इजिप्ट होस्टेड, इजिप्ट ने कुछ और काम भी किया है, क्यारो समिट फॉर पीस किया है। क्या किया है इजिप्ट ने? क्यारो समिट फॉर पीस किया है टू डिस्कस वेज टू डी एस्केलेट द इसराइल हमास वॉर। ये भी काफी न्यूज में था, ये भी काफी न्यूज में था। इस करंट अफेयर्स को बनाने में ना मुझे पांच घंटे लगते हैं मुझे इस करंट अफेयर्स को बनाने में, क्योंकि ना हर एक पॉइंट नोट डाउन करना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। दूसरी बात, कल जो आपकी LR की क्लास होगी ना, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होगी, उसके भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए बच्चों। ठीक है, उसको भी जरूर करिएगा। ठीक है, कल मैं कराऊंगा, और दो दिन के लिए नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करिएगा। दो दिन के लिए नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करिएगा। जब भी CMAT होगा, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, इज इट राइट? चलिए, Which country has recently given the facility to Indians to travel without visa? भैया बिना वीजा के ट्रेवल करने का इनको दे दिया गया है कि भैया आप बिना वीजा के ट्रेवल करिए। Which country has recently given? So let me check, कौन बच्चे आंसर करते हैं इसका? Who can answer this? फटाफट जिसको भी PDF चाहिए होगा, they can contact महक राजपारा, थाईलैंड सी। ओके, थाईलैंड, प्रशांत भगेल, थाईलैंड, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा न्यूज में था, आई थिंक पेपर वेपर में भी आ गया था जहां तक मुझे पता है। इंडिया कैन ऑल्सो गेट वीजा फ्री एंट्री इन कुक आइसलैंड, मॉरिशस, भूटान, हांगकांग एंड बारबाडोस। मुझे कुछ कुछ पता था इंडिया के बारे में, लेकिन इतना नहीं पता था, मुझे भी जानकारी मिल गया, थाईलैंड बूम बूम है ना। चलो चलिए आगे। Which agency organized a workshop on India-AU collaboration for a better inclusive world? How to cont? मतलब क्या लिख रहा है? Conta digital contact. Telegram पे तो लिखा हुआ है ना, दिगंत यादव, Telegram पे तो लिखा हुआ है। Which agency organized a workshop on India-AU collaboration for better inclusive world? ईशा राणे आंसर ए कर रही है, ईशा राणे आंसर ए कर रही है, इज इट ए और नॉट? क्या आंसर ए है पक्का? मेरे को नहीं लगता आंसर ए है, चेक करना पड़ेगा। क्या आंसर ए है? डी आ रहा है। अच्छा, आंसर इज कमिंग लाइक डी ऑल्सो, देखना पड़ेगा, आंसर इज कमिंग लाइक डी ऑल्सो।
थैंक यू सो मच वैभवा लक्ष्मी, थैंक यू सो मच. करेक्ट आंसर इज सी, नीति आयोग. अभी सही आंसर आया था. बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड के लिए नीति आयोग, बिकॉज नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, कोई बता पाएगा? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नीति आयोग? इट वाज प्लानिंग कमीशन आई गेस, है ना. नीति आयोग ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन इंडिया एयू कोलैबोरेशन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड. वर्कशॉप ये हो रहा था. विच स्टेट गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन, वेरी गुड वर्तिका. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? आसाम, गुजरात, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इट्स आसाम, गुजरात, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश. डी, प्रणव सोनी आंसर कर रहे हैं डी, उत्तराखंड. ओके, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड. Somebody is answering like उत्तराखंड सी. एक बार चेक करते हैं, सेशन लंबी होगी बच्चों, ठीक है. करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी. लॉन्च रोजगार प्रयाग पोर्टल इन द उत्तराखंड यूथ महोत्सव. द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द यूथ विद द एम टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट फॉर ऑन अ सिंगल पोर्टल. तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए एम्प्लॉयमेंट का. विच कंट्री हैज कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबिल वेपन सिस्टम? विच कंट्री हैज कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबिल वेपन सिस्टम? जहां जहां माइनस वन होते जा रहा है उसको भी नोट डाउन करते जाए, बिकॉज आपका माइनस वन होते जा रहा है, ठीक है. सर वाई टी पे कितनी क्लास हो गई है? अभी ज्यादा नहीं हुई है, दो ही तो हुई है अभी, एपिसोड वाइज दो ही हुई है, ठीक है. वैसे तो मैंने कराया है बट एपिसोड वाइज दो ही हुए. सोनू मंडल इज सेइंग बी. पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान, वेरी गुड, नोटेड सर. पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबिल वेपन सिस्टम टू फर्दर स्टैंड इट्स डिटरेंस एंड इट्स ऑल्सो टेस्टेड गौरी वेपन सिस्टम. देखो एक्स्ट्रा नॉलेज, गौरी वेपन सिस्टम के बारे में भी पूछ लिया जाएगा. पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक कक्कर. एक तरह का वेरी गुड वर्ड है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टर्लिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ऑफ विच इंडिया हैज बिकम अ मेंबर? ऑफ इंडिया हैज बिकम अ मेंबर. How many member are there in the Sterling Committee of International Competition Network ICN of which India has become a member? जिसके इंडिया member बन चुके हैं बताइए everyone. जिसके इंडिया member बन चुके हैं बताइए. How many countries are there? Is it like 10? 14, 18, 21. दिगंत आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से यू कैन गेट 21. ओके, 21 आ रहा है, कई बार आंसर सी भी आ रहा है, 18 भी हो सकता है ना. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस 18 मेंबर स्टर्लिंग कमिटी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क. The Sterling Committee is an apex body. The ICN, comprising 150 competition agency, typically provides antitrust authorities with a specialized venue for maintaining regulate contact and addressing practical competition concern. It is the first time that CCI has become a member of ICN Sterling Group and the member is for the 2 years. तो ये member 2 सालों के लिए बना जाता है. Correct है. ये member कितने time के लिए बनते हैं अपन? ये मेंबर अपन 2 साल के लिए बनते हैं, फॉर द 2 ईयर्स. ये भी क्वेश्चन हमने किया था. द अखौरा अगरतला रेल लिंक हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विच कंट्री लीडर? तो ये कौन से, अगर अगेन गाइस अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना अगरतला अखौरा, तो प्राइम नरेंद्र मोदी जी ने किया ही था, और किस कंट्री के लीडर ने किया है? हमारे लाइक प्रधानमंत्री ने तो किया ही है. और बांग्लादेश शेख हसीना, पाकिस्तान अनवरुल हक, नेपाल चंद्र पौंदल,
सी सी रोहन सिंह का आंसर आ रहा है सी, महक का आंसर आ रहा है सी, सो लेट मी नेपाल. ओके द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश बेसिकली होगा, ठीक है, बांग्लादेश होगा बेसिकली. और इसके बारे में डिटेल है, इतना जानकारी लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये जानकारी मिल गई होगी, बट इट्स फाइन, है ना. हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन. ये सवाल सर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगेन WHO का टर्म आ गया है इसके अंदर. और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के कौन है रीजनल डायरेक्टर? साइमा वाजिद, स्वरूप सरकार, शाम्बू आचार्य, पूनम खेतरापल सिंह. ए सोन रोहन सिंह का आंसर ए आ गया है. अच्छा, ए के बाद सीधा डी, ए के बाद सीधा डी. आयुष का आंसर डी आ रहा है, देन ए आ रहा है, देन डी आ रहा है, देन ए आ रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? लगातार आंसर करिए. ए डी तो नहीं हो सकता है लगातार. थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है. करेक्ट आंसर है साइमा वाजेद, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ए सिर्फ रोहन सिंह का आंसर सही था, ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि WHO की रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया सेलेक्ट हुई हैं. और साइमा वाजेद इज एन बांग्लादेशी ऑस्टिम एक्टिविस्ट एंड शी इज अ डॉटर ऑफ बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. और ये किसकी डॉटर है? ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बेटी है. ये भी आप दिमाग में रखेंगे तो याद करना, रिलेट करना आसान होगा आपके लिए. विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मेन्स? कमॉन गाइज, कमॉन, आई विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन, इतना मैं नहीं बोलूंगा, बट यू कैन आंसर दिस. कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा मेन्स वर्ल्ड कप 2034? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा वर्ल्ड कप 2034? कमॉन, अभी भी गलत आंसर कर रहे हो, गलत बात है यार. अब तो सही करना चाहिए, ना ना, अब सही करना चाहिए, अभी भी आप लोग गलत कर रहे हो आंसर. यू आर आंसरिंग राइट रॉन्ग, गलत आंसर कर रहे हो. डी पुर्तगाल. द करेक्ट आंसर इज आफ्टर सऊदी अरेबिया सेट टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034, सऊदी अरेबिया इज द ओनली अदर नेशन टू बिड. द यूएस कैनेडा विल ज्वाइंटली होस्ट वर्ल्ड कप 2026, मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन विल होस्ट वर्ल्ड कप 2030 एंड मैचेस विल बी हेल्ड इन अर्जेंटीना, पराग एंड युरागे. फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो. फीफा वर्ल्ड कप हैड बीन हेल्ड एवरी 4 ईयर. और द रिजाइनिंग चैंपियंस आर अर्जेंटीना हु वॉन देयर थर्ड टाइटल एट 2022 टूर्नामेंट. अब आपको मैंने पूरा डिटेल करा दिया सर जी, इसके बाद भी अगर कुछ पूछा जाएगा देन यू कैन आंसर लाइक दैट. इसके बाद भी पूछा जाएगा. हाँ चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर. इन विच क्रिकेट स्टेडियम वॉज द स्टैच्यू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्ड? ग्रेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, ग्रेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर, ग्रेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्ड, बताइए. ये तो कम ऑन, दिस वॉज इजी, दिस वॉज इजी, दिस वॉज इजी. क्या ये आसान है? आई थिंक ये काफी आसान है. बी लॉक कर दो सर, बी लॉक कर दें. चलिए वेरी गुड, बी लॉक कर दिया है. और इसका आंसर है वानखेड़े स्टेडियम, उसका आंसर है वानखेड़े स्टेडियम. क्या है? वानखेड़े स्टेडियम है इसका आंसर, करेक्ट है. बहुत बढ़िया, ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत ही. हु इनोग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 23? कौन इनोग्रेट किया है सेकेंड एडिशन ऑफ? मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, बिकॉज पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी. पीयूष गोयल संगम, इसका आंसर पीयूष गोयल कह रहे हैं. इसका आंसर बताओ, मेरे को ऐसा लगता है, आई माइट बी, आई वुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, माइट बी आई वुड बी रॉन्ग. ए प्रांजल शिवार है कह रहे हैं, ए समबडी सेइंग सी. अच्छा कोई नहीं आ रहा है सी बी, नहीं इसका नहीं, इसका इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं मैं. मोदी जी, ओके नरेंद्र मोदी, ओके ओके सही. मैं मिनट्स के शायद कुछ, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम लोग सही थे, मैं गलत था. नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया, भारत
जो कि आपको न्यू दिल्ली में हुआ था, इसका थीम आपके क्वेश्चन में आ सकता है। वो थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। थीम क्या आएगा? प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये पक्का पक्का आपसे पूछ लिया जाएगा एंड दिस कुड बी आस्क्ड। ये क्वेश्चन सर पक्का पक्का पूछ सकते हैं आपसे। अब हाँ, न्यूज में था। हाँ, न्यूज में भी था। नहीं, अब इतना तो मेरे को नहीं पता, बट इट वॉज लाइक, देखो जितना मैंने आपको अभी कराया है, ये नवंबर का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये नवंबर का, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये नवंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मैंने आपको कराया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब जो मैं आपको कराने वाला हूं ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे इसके पीडीएफ के बारे में बार बार बोल रहे थे, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है अमन कैट 24, आप इसको सिंपली ज्वाइन करिएगा। आपको महक को मैसेज करना होगा, आपको जो भी पीडीएफ मिलता है वो वहां पे मिल जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें सेशन। इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, रैंकिंग। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, रैंकिंग। तो ये अगेन, अगर आप जिस तरीके से आप लोग यहां पर हैं, अगर आप ऐसे भी रहेंगे तो आपको पता चलेगा, फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेशन विल बी ट्रेन्ड बाय FSSAI इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। फिफ्थ स्टेट फूड इंडेक्स में इंडिया का पायदान पांचवा है, जहां पे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया जो है पांचवें स्टेट पर है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा वो स्टेट है, रिलीज ऑफ फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन कौन से जगह है, इनको हमने 3 भागों में बांटा है। एक कैटेगरी है यूटी का, एक कैटेगरी है स्मॉल स्टेट का, एक कैटेगरी है लार्ज स्टेट का, ठीक है। मैंने जब ये पीडीएफ बनाया तो ये ध्यान में रखा है कि आपको टॉप 3 पता होना चाहिए। अभी तक 2024 का रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये 23 का करवा रहा हूं। 2024 में रिलीज तो हुआ नहीं है, अगर ये रिलीज होगा तो आपके ध्यान में रहेगा, हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझ में जानकारी होनी चाहिए। यूटी में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है, और स्मॉल स्टेट में गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है, लार्ज स्टेट में केरला है, पंजाब है और तमिलनाडु है। अब इसको याद करने का तरीका बच्चों क्या हो सकता है? पहली बात, क्या आपको कोई भी सिटी का नाम या कोई भी स्टेट का नाम सुन के अजीब तो नहीं लग रहा है? सब लॉजिकली एक्सेप्टेड है ना? कोई ऐसा है, अब जैसे आप देख ले रहे हो किसी और स्टेट को, तो आप बोल रहे होगे कि अरे सर ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो इसका एक बार आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसको अपने दिमाग में लगा, थोड़ा सा अपने दिमाग में फीड कर लें, तो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेट है ये टॉप परफॉर्मर है ऑफ द इंडेक्स, ये टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है, अगेन ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। अभी मैं एक्सपेक्टेड अप्रैल ही मान के चलो। ये एक अगेन स्पेशल प्रोग्रेस इंडेक्स है फॉर स्टेट डिस्ट्रिक्ट रिलीज बाय EACPM। तो ये जो स्पेशल स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्रोग्रेस जो कर रहे हैं, उसमें पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, गोवा है, ये जो बेसिकली स्टेट्स हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, जिसमें मिजोरम भी है। द इंडेक्स एसेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 3 क्रिटिकल डायमेंशंस। ये 3 डायमेंशंस को चेक करता है, पहला सोशल प्रोग्रेस, दूसरा बेसिक ह्यूमन नीड, तीसरा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। कई बार ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में पूछा जाएगा बच्चों, किसी और फॉर्मेट कहने का मतलब किसी और तरीके से पूछा जाएगा, बट आपके थोड़ा सा अगर ये दिमाग में रहेगा तो आई थिंक ये आपका हेल्प ही करेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा ना कि पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको विजिबल होंगी। तीसरा,
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, तो देखिए अभी रिलीज नहीं हुआ है 24 का, तो मैं आपको 23 का ही करा रहा हूं। तो जीटीआई रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, कई बार सवाल घुमा के पूछ लेते हैं और इससे सवाल एक ना दो तो आएगा ही आएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करते हैं, इंडिया का प्लेस 13 है, अफगानिस्तान टॉप कर रहा है। क्या है, जैसे पूछ लेंगे ना कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आईईपी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईईपी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, दे कैन आस्क लाइक दैट, वो पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईईपी, ठीक है। और हु रिलीजेज द रैंक, हु रिलीजेज द रैंक टेल टेर, हु रिलीजेज, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ, या हु रिलीजेज इट, द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है, दे कैन ऑल्सो आस्क लाइक दैट। नाउ ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं, आपको मतलब है इंडिया से, जिसका मैंने आपको पोजिशन दिखा रखा है जो कि 13 नंबर पे है, ये भी काफी मेहनत लगा है बताने में, ठीक है। केरला स्टार्टअप मिशन हैज बीन रैंक्ड, देखो ध्यान से, अब इसमें कुछ केरला के बारे में, केरला का जो स्टार्टअप है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। अच्छा एक बात बताओ, ये पीडीएफ अगर तुम तक एक्सेस नहीं होगा तो तुमको मैं इस सेशन में तुमको क्या फायदा मिलेगा बताओ, बच्चों एक बार सोचो, ठीक है। ये पीडीएफ अगर तुमको नहीं मिलेगा तो क्या ही बेनिफिट है, मैं कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ आपको जरूर से जरूर मिले, बनाने का पर्पस ही तुम लोग को देना है ना, एक तो पढ़ाना है दूसरा देना है, ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में तो कहीं पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, बनाया आप ही लोग के लिए जा रहा है, आप लोग को पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। तो यू कैन नाउ सी दैट केरला स्टार्टअप मिशन जो है इज रैंक्ड वर्ल्ड टॉप पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर बाय यूबीआई ग्लोबल। अगेन देखिए ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, करेक्ट है, इसको नोट डाउन करिए। दूसरा एआई सुपर कंप्यूटर, देखो एआई सुपर कंप्यूटर एक बना है जिसका नाम है एरावत, ये न्यूज में था एरावत। फिर एक था परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर रैंक्ड एट 131 ऑल्सो, ये परम प्रत्यूष भी न्यूज में रहता है हमेशा, ये क्या है सुपर कंप्यूटर है रैंक किया गया है। फिर मिहिर एक सुपर कंप्यूटर है, ये अगर सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, ये अगर सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा तो तीन, एक है चार, इनफैक्ट चार, एरावत परम सिद्धि प्रत्यूष और मिहिर, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। नाउ फास्टेस्ट हाई परफॉर्म, ये आपको जानना नहीं है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, एक सर्वे होता है जिसको कहते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसमें टॉप करने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटका, रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। कर्नाटका का जो नंबर आया है वो आया है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बना है कर्नाटका, फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इट वॉज फॉलोड बाय तेलंगाना। तेलंगाना का जो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 46.18% है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इसको बड़े ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। स्टेट एनर्जी इफिशियंट है, देखो कई बार ना इनको दिमाग में रखो, अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ है बट आपको इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, ये दिमाग में रखें। दूसरा स्टेट एनर्जी हो गया, दूसरा है आपके पास दैट इज कॉल्ड सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार रिलीज नहीं हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जापान नंबर वन पे है, जापान नंबर वन पे है, इंडोनेशिया 50वें नंबर पे, यूके 2nd नंबर पे, नीदरलैंड 3rd नंबर पे, इंडिया का स्थान इसमें 47th है अमंग 50 कंट्रीज, इंडिया का जो इसमें प्लेस है वो 47th है अमंग 50 कंट्रीज। देखो पर्पस यह है बताने का कि अगर इस तरह के टर्म्स अगर तुम लोग देखो तो तुम लोग को ये ना लगे कि ये हमने पहले नहीं किया है, करवाने का पर्पस मेरा वही है कि तुमने पहले इसको देखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो हर एग्जाम में पूछते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स, हर एग्जाम में पूछते हैं।
ये भी पूछ लेते हैं इसको डेवलप, इसको बनाता कौन है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको बनाता है। ये 11th एडिशन है 23 का, 24 का रिलीज नहीं हो पाया है। इसमें इंडिया का स्थान कहां है भैया, इंडिया का स्थान 42nd है, यूएसए टॉप कर रहा है, यूके सेकेंड नंबर पे है, फ्रांस थर्ड नंबर पे है। अब देखो, अब मैं ऐसा तो बीच में तो आपको कराऊंगा ना, तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज करवाया गया था, ये भी एक बहुत अच्छा इंडेक्स है, हमेशा इससे सवाल किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 85th है, समझ में आ रहा है। जापान इसमें नंबर 1 है, सिंगापुर नंबर 2 है, जर्मनी नंबर 3 है। बस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि तुम कितने कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हो। तो इंडिया का अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तुम 59 कंट्रीज ट्रेवल कर सकते हो विदाउट वीजा, ये चीजें बताती हैं। आगे चलते हैं, ये सारा का सारा चार्ट बनाया हुआ है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे चलते हैं, पासपोर्ट इंडेक्स, अच्छा कई सारा पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है, जैसे एक है अटॉन कैपिटल, इंडियाज इंडिविजुअल पासपोर्ट पावर रैंक ऑल्सो फेल बाय 6 प्लेसेस टू 144। ये कई सारी है, लाइक कई सारे लोग निकालते हैं, अटॉन कैपिटल है, ये भी अपना एक पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है, बट आपको पता होना चाहिए, माई पॉइंट इज दैट कि आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया जो हुआ था, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी न्यूज में था। दूसरा, जैसे पेरियार में है, देखो जैसे पेरियार है, सतपुरा है, बांदीपुर है, नगर होल है, कान्हा है, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं, जो कहीं ना कहीं इनको कैटेगरी 12 एक्सेलेंट कैटेगरी में रखा गया, एकदम एक्सेलेंट, ठीक है। आगे टाटा ट्रस्ट, ये भी एक तरह का इंडेक्स है। देखो, कर्नाटका हैज टॉप्ड द ओवरऑल रैंकिंग अमंग द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट विथ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़, कर्नाटका टॉप किया है, ठीक है। तो गाइज, ये भी कुछ इंडेक्स हैं जो मैंने आपको करा रखे हैं, बस इतना ही है मेरे हिसाब से, तो इतना ही है जो आपको रखना चाहिए। एक लास्ट है जो मैं बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द वॉटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट, वॉटर बॉडी का जो पहला सेंसस रिपोर्ट आया है, तमिलनाडु हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, आंध्र प्रदेश हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट विद द वॉटर कंजर्वेशन स्कीम। तो इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, जैसा मैंने आपसे कहा कि जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना आपके लिए एनएफ होगा, इतना भी कर ले रहे हो बहुत काफी है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मुझे इतना आता है, ठीक है। आज ये दोनों सेशन, अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरा प्लान क्या है, ठीक है। अब मैं जो मैं सेशन आपको करवा रखा है आज और कल 12 बजे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है, कल 12 बजे एवरीबॉडी देखिएगा ध्यान से, कल 12 बजे अनअकैडमी के ऐप पे क्या क्लास होगा, कल 12 बजे या 12 बजे कह लो या 3 PM पे कह लो, किसी भी टाइम पे मैं क्लास रखूंगा जो मिसिलेनियस, नवंबर के जो मिसिलेनियस होंगे वो कवर करूंगा, ठीक है। तो अब आप इस टाइम पे क्लास ज्वाइन जरूर करिएगा, बिकॉज दोनों का मेहनत, दोनों ही क्लास का मेहनत होगा, तभी आपका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकल के आएगा। दूसरी बात, कल जो 10 बजे क्लास होगी, कल के बाद आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि आपके पास करीबन करीबन 200 से 300 क्वेश्चन तो हो गया होगा। अब इन क्वेश्चन को रिविजन भी होना चाहिए, अगर रिविजन नहीं करिएगा तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क्स मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं 1-2 दिन का गैप दूंगा, गैप के बाद मैं सेकेंड उसका एपिसोड नंबर 3 लॉन्च करूंगा या आपको पढ़ाऊंगा। कल जो आपकी क्लास होगी वो लॉजिकल रीजनिंग पे होगी, एपिसोड नंबर 1, इस पे कल हम लोग करीबन करीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, कल हम लोग इस पे करीबन करीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन केस अगर आप फ्री हो, जैसे आप इस क्लास में आए हैं, आप उस क्लास में भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए कि क्लास कब होता है, कैसे होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन कैट 24, आप इस चैनल को सीधा ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कोई इश्यू नहीं है, अमन कैट 24 आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको मेरे सारे क्लासेस के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। दूसरी बात बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो
आपको बताना है। आप सभी को पता है कि अगर जो बच्चे कैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, तो बेसिकली हमारा एक अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है कैट स्कॉलरशिप टेस्ट, अनअकैडमी कैट स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो एम्पावर योर लर्निंग, विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, एमेजॉन गिफ्ट वाउचर, स्कॉलरशिप अप टू 75%। और अगर आप ये जो टेस्ट होगा वो 11th February को होगा, दो समय पर होगा, 12:30 बजे और 5:30 बजे। रैंक 1 को आईफोन एंड्रॉइड फोन मिलेगा, रैंक 2 को हेडफोन मिलेगा, रैंक 3 को स्मार्ट वॉच मिलेगा, रैंक 4 को अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। दूसरी बात है बच्चों कि हमारा एक बैच है जिसका नाम है नाइट प्रेप बैच फॉर कैट 24। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको कैट 24 के लिए गाइड करेंगे। ये एक नाइट बैच होगा, कस्टमाइज शेड्यूल टू फिट योर वर्किंग आवर्स, टेलर्ड स्टडी प्लान मिलेगा, सब कुछ कंप्लीट सिलेबस कैट 24 के लिए कराया जाएगा। एजुकेटर के खुद के नोट्स आपको दिए जाएंगे, जैसे इसमें लोकेश सर हैं, संदीप सर हैं, लोकेश शर्मा सर हैं, करिश्मा वनवानी मैम हैं, रवि कुमार सर हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय कोड विच इज AMA5। क्लियर है एवरीवन? सो आई होप दैट यू ऑल हैव ज्वाइंड द क्लास। टिल देन बाय एवरीवन, बाय गाइज, शाइनिंग ऑफ अग्निमित्रा, बाय।